हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो गए सुबह के 9 और आज रात की हमारी बनारस की ट्रेन है, तो यहाँ सारी चीज़ें पैकिंग वगैरह हो रही है और फिलहाल मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। और ये कल मैं एक्सटेंशन करा के आई थी, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, दोनों हाथ का दिखाती हूँ। ये एक्सटेंशन कराया मैंने, दिल्ली की बहुत फेमस शॉप है गीतांजलि सलून, उसमें जाके एक्सटेंशन करा के आया मैं। और बाकी हम दिखाते हैं आपको, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन कराने गीतांजलि सलून में, आइए देखते हैं कि कैसा है। घर से निकल गए हम और अब बस कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं। क्या तो पहुंच गए हम वाराणसी स्टेशन पे और अब मैं दिखाऊंगी, आज मेरा शूट है तो मैं बस वहां पहुंच के आपको वहां के कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। पहुंच गए हम लोकेशन पे और ये रहा लॉन्च, बाकी आगे दिखाते हैं। यहाँ हो रहा है साहिल जी का मेकअप और बस अब मेरा मेकअप स्टार्ट होगा। तो ये है हमारे शूट का कुछ पार्ट और गाने को मैंने बंद कर रखा है क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते ना, इसके लिए। और ये छोटा सा बहुत प्यारा सा डांस का छोटा सा पैराग्राफ है। राकेश जी का एक दूसरा शूट स्टार्ट हो चुका है, हमारा वाला शूट ख़त्म हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। हमें अभी भी खाना मिला है, हम लोग खा पी के रेस्ट कर रहे थे तो इनका शूट स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा पहले देख लें। और ये रहा लोकेशन, मतलब सेट जहाँ पे हमारा शूट हो रहा था। तो यहाँ बहुत अच्छी हवा और मौसम तो इतना प्यारा था जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद को नॉर्मल रख पाए। अगर गर्मी होती तो फिर हम सब भी लोग परेशान हो जाते, तो मौसम बहुत अच्छा है। और तकरीबन अभी 3 या 3:30 हो रहे हैं, बाकी बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ। यहाँ पे शूट खत्म हो गया है, सारे लोग का पैकअप। अरे ऊपर ही ले जा रखो। से गर्मी देंगे छार। 1 मिनट म्यूजिक वीडियो बिलोंग फ्रॉम बिहार रिलीज हो चुका है और हम दोनों गमछी का कमाल आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो प्लीज़ आप सब भी रील बनाइए और इनको भी टैग कीजिए, हमको भी टैग कीजिए, अपने और बहुत ज़्यादा शेयर करिए। तो 3 बजे हुआ था हमारा पैकअप और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे जहाँ जगह मिली गाड़ी में तो मैं गाड़ी में ही सो गई। इसके बाद फिर स्टेशन पे भी मुझे इतनी गंदी वाली नींद आई, बट मैंने कंट्रोल किया और फाइनली हम ट्रेन में बैठ के और दिल्ली पहुँच ही गए। ये आया अपन का स्टेशन और पहुँच गए हम दिल्ली। ये दिल्ली पहुँचते ही इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू सुबह से बारिश हो रही थी, ट्रेन में भी बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा ही ठंडा मौसम था। मतलब ऑटो इतनी स्पीड में चल रहा था कि मुझे तो भाई ठंड लग रही थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।